आपसे बात करते हैं रायसेन से बड़ी खबर के साथ, जहां अवैध खनन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, कार्रवाई होती हुई नजर आई है और जो खदान थे अवैध पत्थर खदान उनको सील कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जो अवैध पत्थर खदान थे उन्हें सील कर दिया गया है। लगातार माफियाओं के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं उस पर प्रशासन का चाबुक चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अवैध खनन पर यह कार्रवाई हुई है, प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। खनन किए गए पत्थरों को भी नष्ट कर दिया गया, खदानों तक पहुंचने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक फोनलाइन पर है। दीपक, किस तरीके की कार्रवाई और क्या ये समझे कि यहां से अब खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन बड़े एक्शन की तैयारी में है? आज यार देखिए, रायसेन में कल डिप्टी रेंजर के ऊपर हमले के बाद जिला प्रशासन काफी सख्ती से का रुख अपनाए हुए है। जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस ने आज संयुक्त रूप से वहां उन खदानों पर कार्रवाई की है। ये खदानें अवैध रूप से हकीम खेड़ी गांव में संचालित की जा रही थी और लगभग 12 जेसीबी मशीन और बुलडोजर के साथ वहाँ पुलिस का हमला, फॉरेस्ट का हमला और जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर जो रास्ते हैं खदानों पर जाने के वो खदानों के रास्ते मिटाए। इसके अलावा वहां जो चिरा हुआ पत्थर रखा हुआ था उस पत्थर को भी नष्ट किया है। यह मैं आपको बता दूं कि पूरे मामले में, जी हाँ, इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, बाकी 3 की तलाश पुलिस कर रही है। तो ये यहाँ से फरार हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।